थोड़ा सा आगे चंदन का जंगल है, वहां से थोड़ी हमें ले आओ और अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हो कम परिश्रम के द्वारा। तो उनकी बात मान करके चंदन का लगे थोड़ा लाया और अपना जीवन अच्छे तरीके से जीने लगा। कुछ दिन और बीता था मौसम, एक दिन बुलाया और बोले थोड़ा सा और आगे बढ़ो, वहाँ पर चांदी का पहाड़ है, वहाँ से थोड़ा सा चांदी लिया हो। तो वैसा हुआ किया, उसका जीवन बहुत अच्छे से बढ़ने लगा। फिर उन संत ने एक दिन और कहा कि तुम और आगे बढ़ो, वहाँ सोने का पहाड़ है और इसी तरह से बताया कि आगे हीरा है, वह ऐसा करता रहा। एक दिन और बुलाए कि बहुत बड़ा मुल्क है और प्रयास करो। लोग उसने कहा कि हीरा चांदी सोना से आगे क्या है। तो संत ने बताया कि उससे धन से बड़ा है ध्यान, तुम उस अनंत ध्यान की ओर अग्रसर हो और उस परम सुख जो वास्तविक सुख है जिसके बाद कभी व्यक्ति अशांत नहीं होता, तम विद्या संयोग जो संसार के संयोग वियोग से रहित है, जो आत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम है योग। यह योग न बताए हुए चित्त से भय को दूर करने वाले को योग प्राप्त होता है। यही कारण है कि हमारे बहुत से राजा महाराजा हमारे जो सारी सुख सुविधाएं धर्म संपत्ति वैभव सब उनको उपलब्ध था, किंतु सब कुछ त्याग करते हुए उस सुख की तलाश में वो निकले। दुख का अंत कहाँ से होगा, सुख क्या है इसकी प्राप्ति हम जब तक कर नहीं लेंगे तब तक लौटे नहीं। भगवान बुद्ध ने ऐसा निश्चय किया था और बहुत से राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ करके उस सुख की ओर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुए और आकर्षित हुए। संसार का सारा वैभव यदि एक व्यक्ति को दे दिया जाए फिर भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, पर्वत शिखर के समान ऊंची है। सारे संसार का वैभव एक व्यक्ति को दे दे फिर भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। यह जानकर साधक जो निरंतर तप का आचरण करे और तप का आचरण करके ही उस वास्तविक सुख शांति की अनुभूत की जा सकती है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष ने पावा सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लोग सवारा। बड़े भाग्य से मानव बल मिला है, देव दुर्लभ है किंतु है नश्वर। भगवान कृष्ण ने गीता में धनी प्रकार दर्शाया कि अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणां सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। वह ईश्वर संपूर्ण भूतादि प्राणियों के शरीर में वास करता है, जब इतना समीप इतना नजदीक तो क्यों नहीं दिखाई देता। तो बताया कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश कभी यह सही है कभी वह सही है इस तरह से विभ्रमित करते हैं और हृदय से ईश्वर को नहीं पहचान पाते। शरण किसकी जात बताए तमेव शरण वंश, उस हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण या संपूर्ण भाव से। मान लिया हमने सारी मान्यताओं को छोड़ा एक ईश्वर की शरण चले गए तो क्या लाभ होगा। तो बताया कि उनकी कृपा प्रसाद से तुम्हें परम साधन शाश्वत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना ही अर्जुन गोपनीय शरीर अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, इसी विधि के अनुसार विचार कर फिर जैसा करना चाहता है वैसा कर। किंतु शक्ति यही है, शोध की स्थली यही है और एकमात्र प्राप्ति की भी स्थली यही है। अभी पीछे बता दिए कि ईश्वर का निवास स्थान हृदय देश है, ध्यान रखते हैं मेरी शरणा अर्थात साधक के लिए पचन के लिए सदगुरु की शरणागति नितांत आवश्यक है। इसलिए अंत बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो सारे धर्मों की चिंता को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ।
अर्थात एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है, एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थित करना ही धर्म है। हमारे आत्मात्म कैसे भजन किए, कैसे उस पक्ष से चले, उस पथ का अनुसरण ही एक मात्र धर्म का शुद्ध मार्ग है। इसलिए बताया गया कि साधु दर्शन साधु ऐसे जन्म महापुरुष जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ तपस्या किए और जहाँ वहाँ पर निर्माण को प्राप्त हुए, वह महापुरुष के रूप में है। वहाँ जाने से पूरे प्रसाद बढ़ता है कि कुशलते और साधन से महापुरुष जो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष है जो गुरु है उसका हमें इसलिए स्पष्ट को चाहिए कि ऐसे संतों के साथ इसलिए सबको चाहिए हर परिस्थिति में उठते बैठते सोते जागते हम परमात्मा का नाम लेते हैं। जैसे पानी है उसे भला भजन के बाद सुख सुविधा में जीवन व्यतीत करने वाले हमें उनके भजन उसी तरह से Yeah.